तो भारत और रूस के बीच कल द्विपक्षीय बातचीत होनी है, लेकिन आज जो मुलाकात है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात हुई है। निजी आवास पर ये प्राइवेट डिनर पुतिन ने रखा प्रधानमंत्री मोदी के लिए। भारत रूस शिखर सम्मेलन में मोदी हिस्सा लेंगे, दो दिन का ये उनका दौरा है। और ये पुतिन के आवास पर प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत की ये तस्वीरें हैं, जब वो वहां पर पहुंचे थे उस समय कैसा स्वागत किया व्लादिमीर पुतिन ने उनका, और अब जो वहां पर खाने पीने के बीच जो बाकी बातचीत होती रही वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल भारत और रूस बहुत ही नजदीकी साझेदार रहे हैं, सामरिक तौर पर रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है, युद्ध के समय साथ दिया है, लेकिन आज विश्व की परिस्थितियां बदली हैं। कल द्विपक्षीय बातचीत होगी, कई मुद्दों पर बातचीत होनी है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कारोबार है, उसमें भी व्यापार घाटे को लेकर। कारोबार का तराजू इस समय रूस के पक्ष में है, जिसे संतुलित करने के लिए भारत का जोर रहेगा। 2023-24 में भारत और रूस के बीच 54 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। भारत ने 45.4 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल खरीदा, वहीं सिर्फ 3.3 लाख करोड़ का भारत ने निर्यात किया। इस तरह व्यापार घाटा रूस से रिश्तों में बड़ा मुद्दा बन चुका है, इस पर कल बातचीत होनी है। कोविड के दौरान और उसके बाद भी रूस से भारत ने बेहद सस्ता तेल खरीदा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी फायदा पहुंचा। अब रूस से कोयला लेकर 2 ट्रेनें भारत आ रही हैं, ये जिस रूट का इस्तेमाल करेंगी उसका नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी INSTC। अब आपको इस रास्ते का अंतर्राष्ट्रीय महत्व हम बताते हैं। INSTC करीब 7,200 किलोमीटर लंबा एक मल्टी मोड नेटवर्क है, यानी इसमें रेल, रोड और समुद्री रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। यह भारत को सेंट्रल एशिया होते हुए सीधे रूस से कनेक्ट करता है। रूस से चली ट्रेनें ईरान के चाबहार बंदरगाह से समुद्री रास्ते से होते हुए मुंबई पहुंचेंगी, यानी जहां रेलवे ट्रैक होगा वहां ट्रेन चलेगी, और जहां समुद्री रास्ता होगा वहां समुद्री जहाजों के जरिए माल पहुंचाया जाएगा। अब INSTC ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से रूस को भारत से जोड़ता है। ये भारत के व्यापार के लिए बहुत मायने रखता है। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस को समुद्री व्यापार पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में इस गलियारे का आर्थिक और रणनीतिक महत्व और भी बढ़ जाता है। वहीं भारत के लिए इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि भारत इसे चीन की महत्वाकांक्षा बेल्ट रोड पहल के विकल्प के रूप में देखता है। अगर भारत INSTC के लिए चाबहार बंदरगाह का लाभ उठाना शुरू कर देता है तो ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कृषि, कपड़ा, रत्न, आभूषण को बहुत लाभ होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से रूस इस रास्ते का इस्तेमाल बढ़ाना चाहता है। इसकी मदद से भारत सीधे सेंट्रल एशिया से कनेक्ट हो जाएगा, साथ ही इससे चाबहार का इस्तेमाल भी बढ़ेगा, जिसका मैनेजमेंट इस समय भारत के जिम्मे है। हमारे साथ इस समय गीता मोहन फोन लाइन पर मौजूद हैं। गीता, ये बताइए कि भारत और रूस के बीच कल जो मुद्दे होंगे उसके मोटे तौर पर हम एक खाका समझ सकते हैं कि किस तरह की बातें होंगी, और उससे पहले अगर हम ये देखते हैं कि रूस के टेलीविजन चैनलों पर ये मुलाकात छाया हुआ है, या फिर पुतिन जब मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी से तो बहुत आत्मीयता नजर आती है, तो इसमें भले ये समझे कि एक नाजुक घड़ी है, अगर अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के हिसाब से देखें और भारत को भी उस बात को, उस इस डेलिकेट मोमेंट को समझते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। गीता जी, बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण विजिट है ये। श्वेता, देखिए, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री जब भी अपनी कमान संभालते हैं किसी भी कार्यकाल में, तो सबसे पहला विजिट उनका बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। हालांकि हमेशा हमने देखा है कि वो साउथ एशियन नेबरहुड में ही जाते हैं, और लेकिन इस बारी इटली गए, लेकिन वो G7 मीटिंग के लिए गए थे। अगर आप देखें टेक्निकली तो ये पहला उनका बायलैटरल दौरा है, और उन्होंने रूस को चुना।
कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग भी है वेस्ट को कि आपके सैंक्शंस के बावजूद रूस भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण विजिट इसलिए है श्वेता क्योंकि भारत शायद इकलौता ऐसा डेमोक्रेटिक नेशन है जो रूस के साथ अभी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट संबंध बनाए रखे हैं। अगर बाकी दो बहुत इंपॉर्टेंट एलाइज देखें रूस के तो वो चीन और नॉर्थ कोरिया है, तो ऐसे में रूस को भारत की बहुत जरूरत है। और इसी स्पेशल जेस्चर में आप देखें रूस में रूस के जो डांसर्स हैं उन्होंने हिंदी डांस म्यूजिक में डांस करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी को वेलकम किया, जो वहां का टीवी टावर है उसमें भारत का फ्लैग नजर आ रहा है, और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन से अभी मिल रहे हैं वो उनके दाचा में है जो जिसे कॉटेज कहा जाता है रूसी भाषा में, और वो बहुत ही खूबसूरत कॉटेज है जहां पर वो कई बहुत ही कम ऐसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डिग्निटरीज को होस्ट करते हैं, और ऐसे में श्वेता उनके वहां पे होस्ट करना ही दिखाता है कि रूस कितना महत्वपूर्ण समझता है इस पूरे रिश्ते को। लेकिन रूस के लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि उसके जो जिन करीबी दोस्तों का भी आपने जिक्र किया, तो ऐसे में चीन और भारत दो ऐसे देश जिनका अभी भी गतिरोध टूटा नहीं है सरहद पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अभी भी दोनों की सेनाएं उसी रूप में खड़ी हैं। ऐसे में भारत के लिए भी क्या इस समय ये भरोसा कर पाना कि रूस भारत से दोस्ती अपनी अलग रखता है और चीन के साथ कुछ ऐसा वो नहीं करेगा जिससे कि भारत का भरोसा टूटे, जो कि ऐतिहासिक रहा है, रूस ने कभी ऐसा किया नहीं, पर क्या आज के समय में जब रूस के पास गिने चुने दोस्त हैं ये भरोसा उसी रूप में संभव है? बिल्कुल श्वेता, उल्टा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हो जाता है ये विजिट प्रधानमंत्री मोदी का, क्योंकि अगर भारत बहुत ही ज्यादा नजर आता है वेस्ट के करीब जाते हुए तो आप देखेंगे चीन और ज्यादा हरकतें करने लगेगा बॉर्डर्स पर, लेकिन क्योंकि रूस और भारत के रिश्ते अच्छे हैं कहीं ना कहीं अगर भारत वेस्ट को लेकर रूस की इकोनॉमी को इकोनॉमी में मदद करता है, वहीं दूसरी तरफ रूस भी चीन के इस पूरे अग्रेशन को कहीं ना कहीं एक कंट्रोल में रखने की मदद कर सकता है। तो भारत का रूस चीन और इंडिया का जो ये ट्राइलैटरल है उसको बरकरार रखना बहुत जरूरी है। जब जब हमने देखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट विजिट्स होते हैं भारत के अमेरिका या यूरोप में, तब आप देखते हैं कि चीन और बढ़ चढ़कर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये जो रिश्ता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीन को भी कंट्रोल रखने के लिए, और रूस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, प्ले करता भी है। इसीलिए भारत और रूस के रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है जिस पर दोनों लीडर्स बात करने वाले हैं अभी इस दाचा में भी, जिसे कॉटेज कहा जाता है रूसी भाषा में, और कल बायलैटरल मीटिंग में भी जहां पर एक रिस्ट्रिक्टेड डायलॉग होगा जहां पर बस ये दो लीडर्स बैठ के बात करेंगे, और उसके बाद फुल फ्लेज्ड बायलैटरल डायलॉग होगा जहां पे हाई लेवल जो हमारे डिग्निटरीज गए हैं साथ वो मिलकर बात करेंगे। शुक्रिया गीता, और उम्मीद यही है कि इसमें से कुछ बड़ा निकल कर आए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पर दोनों देशों को बातचीत करनी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हम सबने देखा है कि रूस की निर्भरता चीन पर बढ़ी है, बैलिस्टिक मिसाइलें हों या फिर हथियारों के कलपुर्जे, चीन पश्चिमी प्रतिबंधों की परवाह किए बिना रूस को इसका सप्लाई कर रहा है, चीन रूस का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार भी बन गया है। ऐसी स्थिति में यह सवाल बड़ा है कि रूस किसका पक्का दोस्त है, भारत या फिर चीन का? मई 2024 पहली तस्वीर जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हालिया चीन दौरे की है। व्लादिमीर पुतिन ने अपने नए कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा के लिए चीन को चुना, वहीं शी जिनपिंग ने उन्हें गले लगाकर दिखाया कि रूस के साथ चीन के रिश्ते सबसे सुनहरे दौर में पहुंच गए हैं। सवाल यह है कि पुतिन और जिनपिंग की बढ़ती करीबी भारत के लिए क्या मायने रखती है? दूसरी तस्वीर देखिए जो पिछले साल शी जिनपिंग के रूस दौरे की है, जिसमें घर रवाना होने से पहले जिनपिंग बहुत बड़ी बात कहते हैं। जिनपिंग ने ये रूस की यात्रा उस समय की जब कुछ दिनों पहले ही अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने युद्ध अपराधों के लिए पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया। दोनों नेताओं ने इसे बिना किसी सीमा वाली साझेदारी को बढ़ाने वाली यात्रा बताया। सवाल यह है कि रूस भारत और चीन में से किसका पक्का दोस्त है?
ये सवाल भारत के लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि रूस जिससे करीबी बढ़ा रहा है, उसकी सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले 5 साल से भारत के खिलाफ सैन्य साजो सामान लेकर बैठी है।